అల్లర్ల తర్వాత జార్ఖండ్ లో పరిస్థితి కుదుట పడుతోంది అన్నారు రాంచీ ఎస్ఎస్పీ సురేంద్ర కుమార్. ఇంటర్నెట్ పునరుద్ధరించినట్టు చెప్పారు. హింసకు సంబంధించి 25 కేసులు పెట్టామన్నారు. వీటికి సంబంధించి ఇప్పటివరకు 22 మందిని గుర్తించామని మరికొందర్ని గుర్తించాల్సి ఉందని చెప్పారు. హింసపై విచారణకు స్పెషల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ టీం ఏర్పాటు చేశామన్నారు సురేంద్ర కుమార్. సోషల్ మీడియాను మానిటరింగ్ చేస్తున్నామని రెచ్చగొట్టేలా పోస్టులు హాష్టాగ్లు పెట్టిన వారిని గుర్తించి కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు. ఇక రాంచీలో స్పెషల్ ఫోర్సెస్ తో కవాతు నిర్వహించారు. सर अभी एफआईआर डिपेंडेंट जगहों पे हुए हैं और हम लोग उसको काउंट करवा रहे हैं. अभी तक मेरी इन्फॉर्मेशन 7 से 8 के आसपास एफआईआर हुए होंगे और अभी जो है बहुत सारे लोग हमारा एनालिसिस विंग जो काम करता है सगा में स्टार्ट हो गया है. हम लोग उन लोगों को चिन्हित करने की कोशिश कर रहे हैं जो लोग इसमें समाज के सद्भाव और शांति को खराब करने की कोशिश किया और उसके उपरांत जो लोग इनडायरेक्ट थे या पर्दे के पीछे थे या जो कहीं ना कहीं इसको इंस्टिगेट कर रहे थे हम लोग उस तक भी पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं. साथ ही अभी जो है स्थिति शहर की सामान्य है और इंटरनेट सेवाएं फिर से अप्लाई कर दी गई है. सर्विस प्रक्रिया पूर्ण मतलब इनकी सर्विसेज दी जा रही है. हम लोग विचार और करेंगे कि जो 144 के इश्यूज हैं इसमें कितना हम लोग डिस्काउंट कर सकते हैं कितना रिजर्वेशन दे सकते हैं ये एक विचार विमर्श के उपरांत किया जा सकता है. पहले कहा आपको कि हमारे तो ये डिफरेंट इश्यू है. हमारे डिफरेंट तरह के इंसिडेंट यहाँ पे हुए थे. हमको पता है हाउ टू डील विद द सिचुएशन एंड इन्वेस्टिगेशन. फर्ज बना के रखिए अफवाहों पे बिल्कुल ना जाए. ऐसे कोई पोस्ट या अपलोड कोई ऐसी बात ना करके आप सभी लोग सोशल साइट को मॉनिटरिंग किया जा रहा है. हमारे डिस्ट्रिक्ट सोशल मॉनिटरिंग सेल के द्वारा लगातार जो इंस्टाग्राम है ट्विटर है फेसबुक है व्हाट्सएप है इसकी मॉनिटरिंग डिस्ट्रिक्ट से भी हो रही है और पुलिस मुख्यालय से.